पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं, यहां पर हमारे विधायक ने भी आपके सामने कहा, इंसेफ्लाइटिस की भी उन्होंने चर्चा की, आज पीएससी सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया गया, आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती करने के लिए जिले स्तर पर ही कमेटी उनका सिलेक्शन कर सकती है, इसकी भी स्वतंत्रता दी है, वॉक इन इंटरव्यू की व्यवस्था, आप आइए इंटरव्यू दीजिए, नियुक्ति पाइए। मुझे लगता है कि डॉक्टर को ही यह सुविधा प्राप्त हुई है, अन्य सर्विसेज में नहीं अभी यह सुविधा है, और मुझे लगता है इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। यूपी जैसा राज्य, आप सोचिए, पहले गोरखपुर मंडल में 4 जिले कोई मेडिकल कॉलेज, अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, बस्ती जिले में, बस्ती कमिश्नरी में 3 जिले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, देवीपाटन कमिश्नरी में 4 जिले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, आजमगढ़ कमिश्नरी में 3 जिले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, अयोध्या कमिश्नरी में 5 जिले एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, और आज अगर मैं गिनाना शुरू करूं, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी हॉस्पिटल बन चुका है, आगे के कार्यक्रम चल रहे हैं, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, रायबरेली में एम्स, अमेठी में मेडिकल कॉलेज, यानी आप देख सकते हैं एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो चुकी है। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, बलिया में भी प्रक्रियाधीन है, और महाराजगंज का पीपीबी मोड पर जो मेडिकल कॉलेज है, इस बार उसमें भी प्रवेश हो रहे हैं, यानी महाराजगंज जिला भी इस श्रेणी में खड़ा हो चुका है। शामली और संबल में भी मेडिकल कॉलेज में इस मान्यता में पीपीबी बॉन्ड पर जो नया मेडिकल कॉलेज बने हैं, यहां पर अब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में इस बार यहां पर भी लोग प्रवेश लेंगे, बच्चे प्रवेश लेंगे, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। स्वाभाविक रूप से अकेले उत्तर प्रदेश में इस वर्ष लगभग 10,500 से अधिक एमबीबीएस की सीट्स पे एडमिशन होने हैं, याद करिए 10,500 से अधिक, एक नई, यानी हम डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, और उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह सचमुच बहुत ऐतिहासिक है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इसकी।